नमस्कार, एसए न्यूज में आपका स्वागत है। आपने हमारे पहले वीडियो बाबा साहब के जन्म को बहुत सारा सराहा, आपका ढेर सारा प्यार आशीर्वाद हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग उसी का पार्ट टू को लेकर आए हैं, बाबा साहब की शिक्षा को लेकर। कहते हैं जब जब धरती पे पाप बढ़ते हैं तब तक भगवान अल्लाह खुदा जन्म लेते हैं। उसी तरीके दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ते चले गए। 14 अप्रैल सन 1891 के अंदर एक ऐसे ही मसीहा ने जन्म लिया जिनका नाम बड़े होके पड़ा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जन्म ले तो लिया, लेकिन इस दुनिया के अंदर रंग रूप संप्रदाय जाति छूत अछूत जैसी समस्याओं का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सामना करना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब 5 वर्ष के हो गए थे तो उनके पिता उनको एक स्कूल के अंदर प्रवेश करवाने चले गए, तो प्रिंसिपल उनको देखते ही बहुत ललायत से हो गए, क्योंकि उनके पिता सूबेदार थे ब्रिटिश शासन के अंदर, और जो बालक भीम थे वो बहुत ही तेजस्वी और आकर्षित बालक थे। गोल मटोल से भीम सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। प्रिंसिपल ने उनको इशारा करके कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, वो बैठ गए। उनका दाखिला के लिए जब फॉर्म भरा गया तो सब कुछ विवरण बहुत अच्छे से भरते गए, लेकिन जब बात जाति की आई, जाति सुनते ही प्रिंसिपल आग बबूला हो उठा। ऐसा लगा जैसे उसे कोई सांप सुन गया। यह देख बालक भीम और उनके पिता बहुत चक्के रह गए कि किस बात पे इतना क्रोधित हो गए हैं। वो कुछ समझ पाते इससे पहले पर भी प्रिंसिपल ने प्रवेश पत्र को टुकड़े टुकड़े कर दिए, चपरासी को बुलाया, और चपरासी को बुलाने के बाद सभी फॉर्म को बहुत बुरी तरीके से फाड़ दिया और चपरासी को अपशब्द कहते हुए कहा, इन नीच जात वालों को दोबारा मेरे ऑफिस में मत आने देना। अपना मान सम्मान रखने के लिए इस इतनी बड़ी बात को लेके पिता और पुत्र दोनों बाहर चले गए। लेकिन ये सदमा बाबा साहब भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनके पिता जो ब्रिटिश शासन के अंदर ही सिपा सलाहर थे वो भी बहुत परेशान रहे कि मैं अपने पुत्र का एडमिशन नहीं करवा पाया। अपने पुत्र भीम को लेकर वो घर आ गए और अपने पुत्र को क्या जवाब दें मन ही मन ये सोचने लगे। पिता की पीड़ा भीम समझ रहे थे और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, ऐसी पढ़ाई करनी है जो सारी दुनिया देखे। कुछ समय पश्चात उनके पिता ने किसी की सिफारिश से एक स्कूल के अंदर बालक भीम का दाखिला करवा दिया। बालक भीम का एडमिशन तो हो गया, बालक भीम का दाखिला तो स्कूल के अंदर हो गया, लेकिन छुआछूत ने भी उनका वहां पर साथ नहीं छोड़ा। स्कूल ने 5 शर्तें उनके ऊपर लगा दी। नंबर 1, बाबा साहब जो बालक भीम थे कि भीम अपना टाट अपनी दरी अपने साथ लेकर आएंगे, जबकि जो दरी होती है वो स्कूल के अंदर और बच्चों को वहीं से मिलती है। बालक भीम की दूसरी शर्त लगाई गई कि वो स्कूल में सभी बच्चों से 10 फुट की दूरी पर बैठेंगे, और तीसरी शर्त ये थी कि बालक भीम स्कूल के बोर्ड के नजदीक नहीं आएंगे, और चौथी शर्त ये थी कि किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई भी खेल नहीं खेलेंगे, और 5वीं शर्त तो दिल दहलाने वाली थी कि वो स्कूल से पानी भी नहीं पिएंगे जब तक उन्हें कोई ऊंची जात का बालक पानी दूर से करके नहीं पिलाएगा। बालक भीम को पढ़ना था, उनके पिता को पढ़ाना था, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सभी शर्तों को मान लिया। लेकिन एक बार की बात है, स्कूल में गणित के एक अध्यापक आए, वो नहीं जानते थे कि ये बच्चा वहां क्यों बैठा है। जैसे उन्होंने बोर्ड पे सवाल को सॉल्व किया और उस बालक को बुलाया, ए बालक इधर आ और इसका सवाल का जवाब दो,
बालक भीम उठ के जैसे ही आने लगे तो सभी बालक बहुत जोर से चिल्लाए, मास्टर जी ये अछूत है। और वहां पे जितने बोर्ड के पास टिफिन रखे हुए थे सब टिफिनों को उठा के अपने अपने टिफिन को हटाने लगे। कहीं उनका खाना अशुद्ध ना हो जाए। ऐसी ऐसी घटनाएं बालक भीम को अपने जीवन में झेलनी पड़ी। यहां तक ही नहीं रहा, बालक भीम को एक बार बहुत ज्यादा जरूरत से बालक भीम को एक बार बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। उन्होंने कई बालकों को बोला मुझे पानी पिला दो, पर किसी ने उसको पानी नहीं पिलाया, पर किसी ने उनको पानी नहीं पिलाया। बालक भीम इतने प्यासे थे कि उन्होंने खुद ही पानी पी लिया। यह देख मास्टर और ऊंची जाति के लोगों ने सबने मिलके बालक भीम को इतना मारा कि उनको करीबन 10 से 15 दिन स्कूल की छुट्टी लेनी पड़ी। ऐसी ऐसी दर्दनाक पीड़ाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में झेली हैं। लेकिन उनके अटल इरादे के बावजूद भी उनको दुनिया की कोई ताकत पढ़ने से नहीं रोक पाई। ये था दोस्तों हमारा वीडियो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षाओं को लेकर। तीसरी वीडियो में हम आपसे मिलेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छुआछूत और उनकी शादी के बारे में और उनके जीवन काल के परिचय के बारे में। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि बाबा साहब का ये मैसेज सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद।